के किचन से आप सबों को मेरा बहुत सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? हम इस्लामाबाद के मॉल में आए हैं, इसका नाम है सेंटोरियस मॉल। सेंटोरियस मॉल, यहाँ हम बच्चों को फूड कोर्ट में ड्रॉप कर रहे हैं, उसके बाद हम दोस्तें शॉपिंग भी जाएंगे। तो आए हम फूड कोर्ट में जाएंगे, तो हम फूड कोर्ट में ही, उसके बाद में बच्चों को हम लोग सब बच्चे भी पसंदीदा खाने पीने की जगहों पे चले गए। शायद वो आइसक्रीम भी खा रहे, तो हम आपको ज़्यादा खाने दिखा नहीं सकेंगे। जैसा कि हम कहते हैं, जो हम खाते हुए दिखाते हैं, मैं अपने पूरे ब्लॉग में आप लोगों को बहुत सारे खाने शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हमने ट्रैवल किए, हम तमाम दोस्तों ने, हमारे बच्चों ने। तो चले, अब हम ये कौन सा मॉल है शायद? सेंटोरियस। तो इस्लामाबाद के मॉल में हूँ, अब हम आपको फूड कोर्ट दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, फाइनली हम जो है होटल में आ गए हैं। तो मैं और मेरे बच्चे जो हैं, कुछ दोस्तें आराम कर रही हैं, कुछ घूम फिर रही हैं। तो मैंने कहा मैं ये जिन्ना सुपर एवेन्यू में आई हूँ, वैसे ही मैंने कहा वॉक करते हुए, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको यहाँ की भी नज़ारा दिखाऊँ। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ, तो जुड़े रहे सिमी खान के साथ, सिमी खान के ब्लॉग एंड किचन में। मैं उम्मीद करती हूँ जो लोग मुझे नए देख रहे हैं वो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें, और मैं तमाम अपने इस पैगाम में मैं कहना चाहूँगी, अपने हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। मैं अपने इस पूरे टूर में जहाँ जहाँ हम लोग गए, हमारी सब लोगों ने बेइंतहा मोहब्बत इज़्ज़त की, अपना दिल खोल दिया हमारे आगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब लोग हमेशा ही ऐसे रहें, तो दुनिया की कोई ताकत हमारे मुल्क की तरफ मैली आँख से नहीं देख सकती, जैसे कि मेरा हमेशा दावा होता है। तो अच्छा चलिए जी, मैं यहाँ आई हूँ, मेरे कुछ यहाँ पर बहुत सारे प्यार करने वाले लोग हैं, तो वो सब इकट्ठा हो गए हैं। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं, लेकिन वो कैमरे के आगे आना नहीं चाह रही हैं। तो मैंने कहा शाम का वक्त है, अभी हम डिनर करने कहाँ जा रहे हैं शाना? मुनाल। मुनाल जाएंगे, तो मैं आपको मुनाल के भी कुछ नज़ारे दिखाऊंगी। तो इस वक्त आपको शायान थोड़े सा व्यू दिखाता है, शाम का वक्त है, इस्लामाबाद के जिन्ना सुपर एवेन्यू में है। जी कैसे हैं आप लोग? सिमी खान किचन से आप लोगों को मेरा बहुत सलाम। जी हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज हम लोग का लास्ट डे है, ये पंजाब हो गया, इस्लामाबाद में हैं हम, और कैपिटल है हमारा माशाल्लाह पाकिस्तान का। मैंने, हमारे पास चूँकि टाइम बहुत कम है, कल हम लोग जा रहे हैं वापस इंशाल्लाह कराची। तो मैं आपको इस्लामाबाद के एयरपोर्ट भी दिखाऊंगी। तो दोस्तों ने शॉपिंग की, बच्चों ने खाना खाया, बहुत फ़न किया, वही वाली बात है। चूँकि मैं कहती थी कि जो हम खाते हैं वो हम दिखाते हैं, लेकिन मैं दिखा इसलिए नहीं सकी कि हमारे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट में बिज़ी थे। फिर हम वहाँ से आए, फिर एक जगह हमने शाम को जो मैंने आपको दिखाया वहाँ चाय शाय पी। अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं इलियास भाई? जी इलियास भाई हमें बता रहे हैं, हम जा रहे हैं डिनर करने मुनाल। इस्लामाबाद में एक बहुत अच्छी सी खूबसूरत सी जगह है, और काफ़ी हाइट पे है। कितनी हाइट पे है? अच्छा ये देखो शनि भैया का देखो, आज एक हमारे साथ एक प्यारी बच्ची भी आई हुई है। कराची में पहले हमारे बच्चों के साथ होती थी, तो बच्चे आज वैसे ही बहुत एक्साइटमेंट में हैं कि उनके एक दोस्त भी हैं, उनको ज्वाइन किया उन्होंने। तो चले जी जुड़े रहें सिमी खान के साथ, फिर हम आपको थोड़ी देर में मुनाल में मिलते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि आज हम इस्लामाबाद में, हमारी लास्ट नाइट है, हमारे टूर की लास्ट नाइट। तो हम दोस्तों ने, बच्चों ने फैसला किया कि हम मुनाल रेस्टोरेंट में आज डिनर करें। तो माशाल्लाह यहाँ बहुत रश है, रौनक है, शानी दिखाएँ ज़रा। तो मुश्किल लगता है, देखिए हमें जगह मिलती है नहीं, तो हम चलते हैं डिनर पर आज। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर खूबसूरत बाजारे, शॉप्स कीपर ने कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें भी लगाई हुई हैं। शायद वो दिखाएँ, यहाँ का भी सारा बाज़ार दिखाएँ। माशाल्लाह इस्लामाबाद की बड़ी खूबसूरत ये जगह है, और ये ज्वेलरी भी दिखाएँ शायद।
ये सब यहाँ के रिवायती ख़ास चीज़ें हैं, चाहे आप गिफ्ट ले जाएँ और चाहे आप करें। चलो शानी आगे बढ़ो। खाने का ऑर्डर हमने दे दिए, बड़े मज़े मज़े के खाने हमने पाए। और शायद देखो क्या लाइव म्यूजिक चल रही है, गाने बज रहे हैं। जी जैसे कि हम कहते हैं कि हम जो खाते हैं वो दिखाते हैं, तो मैंने आपको दिखाया शानी खाना, दिखाया अपना। ऑलमोस्ट हमारे तमाम बच्चों ने यही डिश बनाया, जिसका नाम क्या है, चिकन मशरूम जी। ये मंगवाया हमने, ये प्लेटर मंगवाया है आज हमारी दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, मतलब हमारे सारे बच्चों के साथ लास्ट नाइट है इस्लामाबाद में। कौन सी जगह है ये? मुनाल। मुनाल में तो जुड़े रहे सिमी खान के साथ, सिमी खान की किचन में। इंशाल्लाह फिर आपको मैं सुबह मिलती हूँ, और जब हम कराची एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे तो अब हम चले हैं खाने। हमारी दोस्तें खाने बैठ गई हैं, बच्चे खा रहे हैं। तो जाते जाते जो कि मैं हमेशा से कहती हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे का भाई आज सबका मुनाल जाने का मूड है। शायान थोड़ा सा अगर आपको दिखा सके तो फैसल मस्जिद के ऊपर की पानी हम आपको दिखाते हैं। दिखा शायान, चले दिखा राइट साइड में। याद है कितना बड़ा फोकस करना कैमरा। इस्लामाबाद में हम F9 पे स्टे किया था हमारा, और हाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे कि मैं हर अपने ब्लॉग में कह रही हूँ कि कराची से सूरज हमारे साथ ही आ गया है, और इस्लामाबाद में भी हमें ठीक ठाक गर्मी मिली। तो यहाँ का टेम्परेचर आज हाई है, हालांकि पता चला हमें कि काफ़ी रात को यहाँ बारिशें हुई हैं। शहर निखरा निखरा खूबसूरत शहर इस्लामाबाद, पाकिस्तान का कैपिटल। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अब हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो कराची के लिए हम आ रहे हैं। अल्लाह ने फजल किया इंशाल्लाह खैरियत के साथ। बच्चे अभी मैकडोनल्ड्स के लिए रुक गए हैं कि चूँकि आपको पता है जहाज़ों में खाना सर्व नहीं हो रहा है, तो बच्चों ने हमने फैसला किया हमारे तमाम बच्चों ने कि हम यहीं से मैकडोनल्ड्स से कोई चीज़ ले लिया जाए। तो ये इस्लामाबाद का मौसम आज गर्म है, शायद थोड़ा सा वेदर भी दिखा दो, आसमान भी। तो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपसे एयरपोर्ट पर मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो हैं, मैं थोड़ा सा मास्क नीचे कर दूँ, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आ गए हैं। अब हम कराची की तरफ जा रहे हैं। तो अल्लाह हाफिज़ तमाम ऑल पाकिस्तानी जिन टूर्स पे जहाँ जहाँ हम गए उन सबों का, हमारी और मेरी दोस्तों और बच्चों की तरफ से बहुत शुक्रिया जो जो मेरा ये शो देखेंगे, और जो नए देख रहे हैं वो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत इन्जॉय किया हमने। अब हमारा जो है बोर्डिंग का प्रोसेस हो गया है। मेरी कुछ हमारी जो दोस्तें हैं वो उधर बिजी हैं, तो मैं अगर थोड़ा सा आपके साथ बातचीत कर लिया जाए। तो अब शायान आपको थोड़ा सा एयरपोर्ट के सीन्स दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अब हम जहाज़ के अंदर जा रहे हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह कराची जा रहे हैं। कैमरा मैन हमारी शाना खान है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जहाज़ में बैठे भी आप लोगों से थोड़ी सी जहाज़ का लोकेशन दिखा दूँ। अलैकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से बैठ गए कराची आ रहे हैं। शायान खान दिखाएँ, अशाना खान शायान अगर दिखा सकें, शायान इस्लाम करें मेरे इसको। तो चलने जी इंशाल्लाह कराची एयरपोर्ट पर उतर के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगेगा। जुड़े हैं सिमी खान के साथ, सिमी खान के किचन में। जो भी हमारा दोस्तों के साथ वेकेशन था और बच्चों के, तो मैं अपने तमाम दोस्तों की, अपने बच्चों के से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सफ़र में बंदे की पता चल जाता है तबीयत का, तो मेरी दोस्तों ने, हम सब लोग एक डोरी से बंधे हुए थे और बहुत अच्छा हमारा वक्त गुजरा अल्लाह के फजल करम से। सब ने हमने एक दूसरे का बहुत बढ़ चढ़ कर ख्याल रखा। हम जहाज़ ऊपर जा रहे हैं, अब मुझसे थोड़ा डर लग रहा है, मैं कुछ देर में मिलती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली हमारा जो है आज मैं ब्लॉग अपना पाकिस्तानी के टूर पे जो हम सारी फ्रेंड्स निकले थे, आज हमारा अल्लाह के फजल व करम से ख़त्म हुआ जाता है। हम सब बहुत खैर व खैरियत के साथ कराची वापस पहुँच चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपनी सामान लेने के लिए। तो मैं कहा थोड़ी सी आपसे बातचीत कर लूँ। शाहन, तुम मेरा चेहरा ना दिखाओ, क्योंकि जो मेरी जितनी बहनें और साथ थे मेरे, उनके तमाम हम तमाम हमारे हस्बैंड्स का भी शुक्रिया, मतलब मेरे मेरी दोस्तों के मियाँ का भी बहुत शुक्रिया, उनकी फैमिली का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और हम पे इतना ट्रस्ट किया, स्पेशली नाजिया ईमान, मुंशी इमाम ईमान। ये प्यार मोहब्बत का काफिला जो चला था, प्यार मोहब्बत के साथ अख्तिताम पज़ीर हुआ। इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ आसानियाँ अल्लाह ताला सबको दे। और जो कि सिमी खान किचन का कहना है कि अगर माएँ चाहें तो सब कुछ कर सकती हैं और हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने में कोई भी माँ किसी से कम नहीं है। ठीक है जी, तो हमारी माओ ने, हमारे दोस्तों ने ये साबित किया कि वो जो है किसी से कम नहीं है। तो मैं अपनी तमाम बहनों से, तमाम माओ से जो मुझे देख सुन रही हैं, वो भी कोशिश करें, ट्राई करें। हमने तो अपना बेस्ट दिया, अपने बच्चों को बेस्ट टाइम, और मेरे साथ जितनी हम क्या कहेंगे शानी, हम फ्रेंड्स थे, बहनें जो थे, तो अच्छा बनकर वो हमारी तमाम फैमिलीज़ की भी मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारी सहेलियों के मियाँ ने हमें इजाज़त दी, हम पे भरोसा किया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी फैमिली, मेरे शानी के बाबा ने, सब ने, नाजे ईमान ने हम पे इतना भरोसा किया, ईमान हमारे साथ रही, सबका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। इस ब्लॉग में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो सब दिल का मुजाहरा करें, क्योंकि हमने बड़ी मुश्किलों से ये ब्लॉग्स बनाए हैं। शायान शाना का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे इतना साथ दिया, और दुआ किम्मी का के लिए तो मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है। शी इज़ वेरी ज़बरदस्त लेडी, नाइस, और हमारा सुपर पावर, सुपर मैन, सॉरी सुपर लेडी। तो अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ, हमारे ममनीन के अल्लाह मफ़रत करें, लेकिन जो हमारे बीच अभी ज़िंदा है उनसे प्यार करें, मोहब्बत करें, जो कि मैं हमेशा से कहती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।